क्लियर ते मैं ब्लर की करा ना मैं थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की सवेर देखो जरा किदां दी है। बिल्कुल ही अनएक्सपैक्टेड मॉर्निंग व्यू है ये। इन्नी ज़्यादा धुंद पई हुई है, कमाल ही हो गई पता। बट जिन्नी हैगी है ना उन्नी नज़र नहीं आ रही। मैं दूसरी तरह क्लिप लैके देखती, मे बी उस विच ज़्यादा नज़र आवे। सो गाइज़ ये हैगी है दूसरी क्लिप, ये भी इन्नी नहीं नज़र आ रही जिन्नी हैगी है। जिदा हाँ रस्ता ना जिहड़ा फर्श हैगा सिर्फ यही यही दिखता, बाकी नहीं कुछ दिखता। पर बस ये मोबाइल चो दिख रहा वा। देखो किन्नी ज़्यादा धुंद है, हाए। चलो बाहर देखते हैं, बाहर तो देख लो खेत बिल्कुल ही नहीं दिख रहे अज तक। पर सर्दियाँ इदा लगता सर्दियाँ आ गई, अर्ली मॉर्निंग है नहीं सी, बाद चो धुंद पई है ये। अज तो सन भी है ना बहुत लेट है। मैं क्या मैं अपनी भी क्लिप ले लाँ क्योंकि धुंद में कुछ दिख नहीं सी रहा, मेरा मुँह तो दिख ही जाना तुम्हें। इसलिए तुम मैंने देख ला मैं दिख रही हूँ गाइस, धुंद में दिख रही हूँ तो ठंड पता लग रही है बहुत। तो अंदर ही चलते हैं हम, आप चाह चू पीने। सो चाह मेरी रेडी है, चाह का कप तो नाल है बिस्किट, खा लो तुम भी सारे जने। हेलो जी, सत श्रीकाल जी सारे, की हाल चाल है सब दे? होप तो सारे बहुत वधिया होवोंगे, तो सारे बहुत वधिया, आपां भी बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता ही है गुड मॉर्निंग। अज देखो मॉर्निंग कितनी ज़्यादा धुंद वाली सी, पता मैं ना अर्ली मॉर्निंग उठी सी, उस टाइम तो इन्नी ज़्यादा धुंद है नहीं सी, मतलब दूर दूर जिदा खेतों में नज़र आती है थोड़ी थोड़ी फॉग, मतलब उदी सी। तो हौली हौली की होया, मैं क्या अभी तो डेली होंगी है ना, तो मैंने गौर नहीं किया। तो क्यों जी थोड़ी बहुत फॉग होंगी है ना, वो जी है कैमरे में नज़र नहीं आती, जी आप मतलब घर के कैमरे की गल कर रही हैं, LCD नज़र नहीं आती है ना। तो फिर मैं ना बस समाइली का टाइम हो गया सी, उन्होंने रेडी शेडी कर रही थी, तो मैं तो सिर बंधे बंधे अचानक देखा कि कैमरे में ना कैमरे की LCD बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट धुआं धुआं जहाँ हो गया। मैं क्या शायद बाहर किसी ने आग बुलाती है। तो मैं बाहर आई तो पता अपना आ वाला गार्डन कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, इन्नी ज़्यादा धुंद वध गई सी। ये होंगे सर्दियों में है ना कि सवेरे ठीक होंगे, बाद धुंद पैंती फिर धुप आ जाती है ना, तो इदा होया। तो फिर अर्श भी चला गया स्कूल, तो फिर मैं वीडियो लई सी जी, उस पहले तो मतलब फोन च मतलब इन्नी नहीं दिखाई दी है ना जिनी कि एक्चुअल होंगी है। सो बहुत ज़्यादा सी, फिर दूसरी क्लिप जी देखी उस बहुत ज़्यादा सी, बट फिर भी उस घट ही नज़र आ रही थी, असल में बहुत ज़्यादा लगती पी सी। तो हूँ करवा चौथ भी निकल गया, ये ब्लॉग करवा चौथ तो बाद आया, थानू पता ही आप जो फास्ट तो रखते नहीं है ना, बट आप मेहंदी शहंदी लगा ली सी, तो रेडी शेडी हो गए सी माड़ा मोटा जहा, तो बस उदा तो कुछ नहीं। तो हूँ हैगा नैक्सट डे, बच्चे चले गया स्कूल, तो मैं एज ऑलवेज हम अपना काम कर दी। मैं एक्चुअली मशीन भी लगाई हैगी है, तो थोड़े कपड़े है धोन तो वाले माड़े मोटे, मैं क्या चलो धुप्पे धुप्पे सुक जाते फिर सिले सिले रहेंगे। अजकल तुम पता मौसम चेंज हो रहा है ना, दिन भी जल्दी खत्म हो जाता, पता का हाले तक गिला पिया है, मेरा पजामा गिला हो रहा थलों, इसलिए मैं इतों बाहर ही जाती हूँ। तो मैं खिलारा खिलूरा चक रही थी, खिलारा सारा चकता, तो क्लीनर आंटी आने वाले है, मैं वही देख रही थी, मैं क्या आए नहीं आन चली सी, मैं स्लिप हूँ आने वाले या क्लीनर आंटी, उन्होंने वेट करती पी हूँ, तद तक मैं अपनी किचन का काम कर लूँगी, बर्तन वगैरह सारे साफ करने वाले पे है हले। चलो चलते हैं अंदर किचन, मेरी तो हाल चाल कुछ इस तरह का देख लो ती, बर्तन मेरे रात दे काफ़ी लेट हो गया से, खाना खुना खाते तो रात के पे है बर्तन, इधर साफ किए चकने हैं, आ ढोल कल बच्चे बजा रहे इतें ही, तो इतें ही छड़ दिता है, बाकी सारा खिलारा वगैरह मैं चक लूँगी तो काम कर लूँगी, बाकी ऑलमोस्ट मेरा सारा खिलारा खिलूरा तो चक्या हुआ, रूम भी मैं अपना सवारता सी, इधर वाला भी, तो बाकी मशीन लगी हुई है इस कपड़े आ वाले रेंदे धोने, तो बैल बज गई है, मैंने लगता आंटी आ गए है, तो चलो आप जाके देख लें। ये तो कोई हो रही है, आंटी भी आ गई, चलो गाइस मैं जाके देखती हूँ कौन है। अपना काम करके चले गए हैं, क्लीनिंग दा ऊपर नीचे सारे कितने हो गया काम, तो मेरे भी ना मैं भी कपड़े धो रही थी ऑलमोस्ट हो गए, बस ड्रायर हो रहे हैं, ड्राई हो रहा, तो मैं थोड़ी देर पाऊंगी सुकने। तो आंटी तो मैं पीती सी चाह क्योंकि उन्होंने तबीयत थोड़ी जी खराब ही चल रही है, तो मेरा भी गला गुला ना थोड़ा मौसम शायद चेंज हो रहा करके हो गया इतना, तो बाकी मैं फिर मैं भी चाह पी ली,
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲ ਹੱਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਹਲ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਰ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ 12:05 ਹੋ ਗਏ ਆ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਈਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਰ ਇਦਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਖੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਸੱਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਔਰੇਂਜ ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਧੁੱਗੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਨਿਕਾਲਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਗਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਔਰੇਂਜ ਖਾਂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਊਗੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਲੌਗਸ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਐਕਚੁਲੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ 1 ਵਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਂਡੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡੋ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਦੀਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਓਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਖੇਡੀ ਚਲੋ 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 ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਫਕੋਰਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਫਕੋਰਨ ਹਾਂ ਪਫਕੋਰਨ ਨਹੀਂ ਪਫਕੋਰਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਫਕੋਰਨ ਲੇਕਿਨ ਪਫਕੋਰਨ ਮੈਂ ਨਾ ਪਫਕੋਰਨ ਨਹੀਂ ਖੂਗੀ ਪਫਕੋਰਨ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਲੁੱਡੋ ਚਲ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੈ ਜਮਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਓਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਕਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਨਬੜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਆ ਹੈ ਡਿੱਗ ਜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਨਾ ਬਸ 3:30 ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਈਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ 3:30 ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਖਰਾਬ ਸੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਲੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟਸ ਸੋ ਸੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਈਲੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਧੋਣੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਊਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਈਲੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
की करी जाना इन्नी देर की वेट कर रहे हैं दीदी दी स्कूलों आना असि बाहर गए हैं अब वेट देख लो इस चीज की हो रही है कि असि कुटना एक दूजे हाथ आ जाना विच तुहाडा मैं चली हां बाय। सारे जहान की लड़ाई तो बाद फाइनली यह यार वेली बन गए जेडे कि आराम नाल बह के चॉकलेट खा रहे कुछ पता लगता इन्हों का कुछ मिनट च दुश्मन मिनट च यार बिल्लिया कि लड़दी फिरती हाँ टॉम एंड जैरी टॉम एंड जैरी दादू आने वाले इतों कैमरे से ध्यान रखियो जूस का ऑर्डर दिता जूस का जो ऑर्डर दिता ध्यान तो आपे बच्चे रहना ये तो वैसे इतने मेरी कॉफी है जी मैं रख दी बनने वास्ते तो अच्छ मैं बनानी हूँ गोभी तो मैं सोचा कि इन गोभी को कट लवा हाए मेरे नेल्स किन्ने ज़्यादा सोहने लग रहे हैं है ना नज़र ना लगे नाइस। देर च है ना मेरी कॉफी बनती है उन्नी देर च मैं थोड़ी जी गोभी कट कुट लैनी हूँ जिन्ना भी काम हो रहा है ना जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि ना फिर ना काम लेट हो जाता है बच्चे भी जल्दी मंग लेंदे आ रोटी सब्जी सारा कुछ क्योंकि दिन बदल गया ना हूँ इसलिए टाइम चेंज हो गया फिर ना इन्ना लेट हो जाता फिर ना लेट ही खाते लेट ही सौंदे आ खेलते रहते फिर लेट ही उठते उबाल आ गया चल गैस कर देने घट अज पता की होया सवेरे ना अर्श उठ नहीं सी रहा कल खेली जा रहा है तो सवेरे उठता नहीं पाया मैं लेट हो गया तू तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उठ बस आ जानी तेरी कहना मम्मा जब मैं लेट हो ही गया तो इदा करो कि तुम मेरे ना छुट्टी करवा दो मतलब इन्ना तैयार रहता छुट्टी वास्ते इसलिए ना इन हम जल्दी सवाया करना ताकि आराम न उठे सही उठ जाए फिर उ जल्दी 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 भाजन अट करनी पैंती है। मेरी कॉफ़ी बन गई है तो मैं ना मैं क्या चल गर्म ही है मैं सारी गोभी कट ली पता तो मैं इन वॉश करके भी रखता फिर पानी निकल जूगा ना बिचों तो वधिया फिर बन जाती होंगी है ड्राई ड्राई जी तो फिर मैं ना मोटर भी चलाती मैं क्या टैंकी भी एक बार भर लें है ना नेरा भी जल्दी हो जाता फिर तो टैंकी भर ले मैं पहला भी मोटर चलाई सी सवेरे तो क्यारियों को पानी लाया से है ना जिमें कि तुम्हें दसिया तो बाद चो ना लाइट चली गई सी मोटर हो गई आपे बंद तो हूँ मैं मोटर चलाई तो मैं ना गोभी धोन लगी मैं देखा पानी नहीं आ रहा प्रैशर बहुत थोड़ा फिर मैंने याद आया तो पानी तो बाहर चलाया से देखो फिर तो किन्ना पानी इतने हो गया थले बहुत सारा इकट्ठा हो गया फिर मैं इन्हों बंद किया तो मैं क्या चलो मैं भी बाहर चल दिया हूँ तो बाहर अपनी कॉफ़ी पी लैनी नाले पाइपा बंद कर दें तो नाले जोड़े कपड़े तुम देख रहे हो मेरे पिछे मैं सुकने पाए थे ये वाले मैं उतार के अंदर लै जूँगी ये ब्लॉग आप हूँ इतने अज का खत्म करते हैं अज का ब्लॉग तुम्हें किमें लगा तुम कमेंट करके दसना ही दसना तुम्हें पता ही है तो चैनल सबसक्राइब भी कर दियो तो थैंक यू सो मच सबसक्राइबर्स जिन्होंने चैनल सबसक्राइब किया बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है चैनल में तो इन चैनल आप होर भी अगे लैके जाना है इतनी मेहनत करते रहना असी भी तुसी भी असी ब्लॉग बना ब्लॉग देख चैनल सबसक्राइब कर लाइक कर मिलेंगे हम आप एक नवी वीडियो नवे ब्लॉग तद तक बाय बाय टेक केयर सी यू।